हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं पी रही हूँ काली चाय, क्योंकि अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है और ऊपर से मैं गिर गई परसों। बहुत बम्पर तरीके से गिरी, पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है मेरे और कमर में भी लगी है, गिरी थी तो खैर अभी कल तो मैं पूरा दिन चल नहीं पाई थी और गिरने की वजह से शायद पता नहीं क्या हुआ, हरारत की वजह से थोड़ा फीवर आ गया। और बेंगलोर का मौसम थोड़ा सा ठंडा चल रहा है तो फिर से कोल्ड भी हो गया, तो बस काली मिर्च वाली चाय पी रही हूँ। अभी बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं। बस अभी दो तीन दिन से मैं छत पे नहीं आई थी पैर में चोट लगने की वजह से, तो खैर आज आई हूँ 2-3 दिन के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा खुला खुला सा, नहीं तो घर में बंद ही रह रहे थे। शुरू कर रही हूँ इस टाइम से ब्लॉग आज ऐसे ही बैठे बैठे। और ये देखिए, ये जितना काला सा दिख रहा है ये सब मुझे चोट लगी हुई है, इसके अलावा यहाँ पे भी लगी हुई है। अभी तो थोड़ा सा हल्का हो गया है ये सब, नहीं तो बहुत ज़्यादा लगा था। इसके अलावा यहाँ पे मेरा कट गया है बिछुए की वजह से, यहाँ पे नाखून मेरा टूट गया उसी दिन जब मैं गिरी तभी। मौसम देखिए इस टाइम कुछ ऐसा हो रखा है, बड़ा प्यारा सा मौसम हुआ है, देखो बादल लगे हुए हैं हाँ चारों तरफ, इसका फैशन देखो। अभी गई थी मार्केट थोड़ी सब्जियां वगैरह लेकर के आई हूँ, रास्ते में इतना बुरा हाल है, बारिश की वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो खैर गई थी सब्जियां वगैरह लेकर के आई हूँ। और अभी चाय लेकर के आई छत पे, मैंने सोचा पहले चाय आराम से बैठ के पी लेते हैं, इसके बाद से फिर जाऊंगी तब सब्जियों को सेट करूंगी। और दक्षिता को मैंने दिया है यहीं पे पपाया रखा हुआ है, वो पपाया खा रही है घूम घूम करके, ऐसे नहीं खाती है। तो खैर अभी आ गई थी मैं नीचे और सबसे पहले नीचे आते ही मैंने करीब पूजा, क्योंकि शाम की दिया का टाइम हो गया था तो सबसे पहले मैंने पूजा की। दक्षिता भी साथ में मेरे साथ सुबह शाम दोनों टाइम बैठ के करती है। और इसके बाद से मैं किचन में आ गई सब्जियों को छांटने के लिए, मतलब काफ़ी सब्जियां आज मैं लेकर के आई थी, काफ़ी दिन से कुछ आया नहीं था तो इसलिए जो जो अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिली वो सब हम लेकर के आए। बारिश की वजह से एक साथ थोड़ा ज़्यादा ही ले आए थे, तो सिंपल आलू प्याज तोरी शिमला मिर्च ना मेरे बच्चों को पसंद है ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, बस मुझे पसंद है। लेकिन मैं सोचती हूँ किसी तरह किसी चीज़ में डाल करके बच्चों को खिलाऊँ तो वो हो जाता है। खैर चीला बनाया था मैंने सूजी का, तो उसमें डाल करके मैंने बना दिया था। अभी देखिए सारी सब्जियां मैंने छांट ली हैं और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ जो जब मैं सब्जियां लेकर के आती हूँ, जो सब्जियां ऐसी होती हैं लाइक मिर्ची अदरक टमाटर हरी धनिया, इन सब को मैं साफ़ करके वॉश करके रख देती हूँ। जब पानी निकल जाता है अच्छे से तब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। इससे होता क्या है कि आपका काम भी आसान हो जाता है कि जब आपको ये चीज़ें यूज़ करनी हो तो फटाफट से आप बस फ्रिज में से निकालो उसको छीलो काटो और यूज़ कर लो इस तरह से। और अगर ऐसे ही आप रख दो तो फिर वो टाइम टेकिंग हो जाता है, मतलब अगर आपको कुछ हड़बड़ी का काम है, मतलब सुबह सुबह सबको पता है बच्चे स्कूल जाते हैं हस्बैंड ऑफिस, तो बहुत सारा टाइम हमारा इन्हीं सब में कंज्यूम हो जाता है। और दूसरी बात ये कि मार्केट में सब्जियां कई तरह से लोग छूते हैं और दूसरी बात धूल बारिश मिट्टी ये सब भी रहता है, तो ये सब चीज़ें मैं क्या करती हूँ साफ़ करके ही रखती हूँ, हमारा टाइम भी बचता है और काम भी आसान हो जाता है। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, आपको खुद लगेगा। तो अभी देखिए मैंने सारी सब्जियों को वॉश कर दिया है क्लीन करके, और साथ के साथ मैं दूध लेकर के भी आई थी तो इसको मैंने रख दिया उबलने के लिए। साथ में नारियल पानी दक्षिता के लिए आया था क्योंकि इस टाइम उसकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, तो उसे डेली नारियल पानी और जूस वगैरह हम लोग दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा लेट हो गया था वैसे आज क्योंकि हस्बैंड को कुछ काम था तो जा नहीं पाए थे लेने। तो खैर देखिए अभी सारी सब्जियों का पानी निकल गया है। धनिया को मैं क्या करती हूँ, ये किचन टावल है आराम से 20 रुपए में मिल जाता है, किचन के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ, मतलब वाइपिंग के लिए भी और सब्जियों को रखने के लिए भी, साथ में अगर चपाती वगैरह फुलाना है तो उसके लिए भी। तो ऐसे टावल मैं 4-5 रखती हूँ एक साथ किचन में। तो देखिए धनिया को मैंने साफ़ करके उसमें रख दिया किचन टावल में लपेट के, साथ में मिर्ची का भी पानी निकल गया था तो एक छोटा बास्केट मैंने रखा है,
और ये देखिए अदरक में सबको पता है कितनी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ये देखिए अभी अदरक को मैंने क्या किया था, थोड़ी देर के लिए सोख करके रख दिया था पानी में भिगो करके, सारी मिट्टी निकल गई। और इसके बाद से ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से लगा दिया है, धनिया मिर्ची टमाटर अदरक ये सब चीज़ें साफ सुथरी हो गई हैं। अब जब भी यूज़ करना होगा तो फटाफट से यूज़ में आ जाती हैं ये चीज़ें। बनाने जा रही मशरूम बिरयानी, तो उसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है। ये थोड़े से खड़े मसाले, बड़ी इलायची हमारे पास नहीं रहती है, यहाँ मिलता ही नहीं है काली वाली इलायची, ये है जीरा लौंग दालचीनी काली मिर्च और दो तीन तेज़पत्ता। मसाले में हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर कश्मीरी मिर्च है ऐसे, ये गरम मसाला बिरयानी मसाला। राइस को मैंने वॉश करके रख लिया, प्याज टमाटर टमाटर बहुत महंगा है भाई, हरी मिर्च बस कम ही लिया मैंने क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, मशरूम हरी धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, अभी कुकर में डालना है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो और खड़े मसाले मैंने डाल दिए, इसको आप मशरूम पुलाव मशरूम बिरयानी कुछ भी बोल सकते हैं, बस मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है, वन पॉट तो है ही है। और दूसरी बात ये कि आप इसमें अगर चाहो ना दही ऐड कर दो तो और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, मेरे पास दही था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। तो खैर देखिए अभी मैंने क्या किया था, खड़े मसाले डालने के बाद प्याज डाला, प्याज थोड़ा सा भुन गया तो मैंने टमाटर डाल दिया, नमक और साथ में जो मसाले थे उसको मैंने डाला साथ में। जब मसाले हल्के से भुन जाए तब अदरक लहसुन का मैं पेस्ट डालती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाता है और ये मार्केट का ही है। तो इसको मैंने डाल करके भून लिया और अभी लास्ट में मैंने इसमें डाला है मशरूम, और मशरूम को थोड़ा देर तक भूनना है क्योंकि मशरूम पानी रिलीज़ करता है नमक डालने के बाद या वैसे भी। तो अगर मशरूम को आप नहीं भूनेंगे तो होगा क्या, आपके चावल गीले बन जाएंगे, तो इसलिए मशरूम को थोड़ा अच्छे से भून लीजिए। जब उसका पानी थोड़ा सूख जाए तब इसमें राइस डालिए, पानी डालिए, मैंने एक गिलास के लिए दो गिलास पानी, मतलब एक गिलास चावल के लिए दो गिलास पानी लिया था, और ऊपर से धनिया की पत्ती डाली है मैंने, मिंट लीफ भी अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सब मैं कर ही रही थी तब तक लाइट चली गई, तो इसके आगे का मैं नहीं शूट कर पाई। तो खैर बस मैंने कुकर में दो सीटी लगाई और देखिए हमारा बिरयानी या मशरूम पुलाव बन के तैयार है। साथ में मैंने मैंगोस कट किए थे। अभी बच्चों को हस्बैंड को खाना दे करके सबसे पहले मैंने सारे बर्तन वॉश किए, किचन मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, इसके बाद मैंने खाना खाया। और आजकल मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, मैं बहुत बीमार चल रही हूँ इस टाइम पे, पता नहीं क्यों डॉक्टर क्या भी मैं गई थी। तो खैर देखिए अभी मेरा सारा काम हो गया, फिर हो गई हूँ फ्री, सारे काम अपने फिनिश करके किचन के। दक्षिता को भी मैंने दवाई पिला दी है, उसको भी थोड़ी बहुत सर्दी खांसी इस टाइम हो रखी है। और मेरा तो मैंने आपको बता ही दिया था मैं गिर गई थी, तो उस वजह से मुझे दर्द की दवाई लेनी पड़ रही है। और होता है ना कहीं गिर जाओ बिल्कुल अचानक से तो 4-5 दिन तो दर्द रहता ही है, तो बस वही चीज़ मेरे साथ भी है, अभी दर्द है थोड़ा बहुत है, तो बस वही जस्ट मैं दवाई खाई है मैंने। और इसके बाद मैंने चेंज किया अपना, फुल स्लीव का आजकल पहन के सो रही हूँ क्योंकि रात में लगने लग रही है ठंड। परसों जिस दिन मैं गिरी थी अचानक से फीवर भी आया और कांपने लग गई थी मैं ठंड से, हालांकि इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था, समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी तरह मैंने काम निपटाया था, मैं जानती हूँ कैसे मैंने उस दिन काम किया था इतने दर्द में होने के बावजूद। होता है कभी कभी अकेले रहो चाहे कुछ भी कर लो, काम आपको करना ही है किसी भी सिचुएशन में रहो। कल सुबह मैं कैसे बच्चों को मैंने स्कूल भेजा, मैं जानती हूँ मेरी सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे, मैं चल नहीं पा रही थी, लंगड़ा करके चल रही थी एकदम से। स्कूल तो बच्चों को हस्बैंड ने छोड़ दिया था लेकिन घर में भी मैं बहुत धीरे धीरे काम कर पा रही थी। तो खैर अभी ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी खुशी है तो कभी गम है। वैसे मैं गिरती नहीं हूँ लेकिन पता नहीं कैसे मतलब ऐसा उस दिन हुआ, बस मैं भगवान का ये शुक्र मना रही हूँ कि मेरी हड्डी नहीं कहीं से फ्रैक्चर हुई, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती हमारे लिए, तो इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्र है। तो खैर चलिए अभी इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए खुशियाँ बांटिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।